नमस्कार भैया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल में आपने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखा होगा ना, वो कब शुरू हुआ था, किसने लिया था, कौन लेता है और उसमें होता क्या क्या है। चलिए भैया वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरू कब हुआ था। ये भैया शुरू हुआ था 2009 में। जब 2009 में ये आया था तो एक टीम को 7.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया जाता था। अभी तो 2.5 मिनट के दो दिए जाते हैं, लेकिन पहले एक पारी में एक टीम को 7.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया जाता था। अब भैया 2009 में ये 7.5 मिनट का जो कि हो गया था बड़ा ज़्यादा। पब्लिक वैली तो बैठी नहीं, वो टीवी से उठकर निकल लेती थी, तो बीसीसीआई ने सोचा इसे बंद ही कर दिया जाए, अपना आईपीएल सिंपल मैच कराया जाए। लेकिन फ्रेंचाइजी ने बोला नहीं नहीं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो इसको बंद नहीं किया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए। और सजेशंस के बाद वो 2.5 मिनट के दो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कर दिए हैं, जो कि आज भी आपको देखने को मिलते हैं। अब भैया बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में होता क्या है। वैसे आईसीसी के मुताबिक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आप प्लान बना सकते हैं कैसा आपको खेलना है। बॉलिंग टीम अपनी बॉलिंग के हिसाब से, बैटिंग टीम अपनी बैटिंग के हिसाब से। वैसे भैया कुछ नहीं होता, सारे खिलाड़ी मिलते हैं और गप्पा गप्पा बातें करके निकल लेते हैं, 2.5 मिनट काट देते हैं ऐसे ही, क्योंकि प्लान तो पहले से पवेलियन में बैठ के बना रहे होते हैं ना, वहाँ क्या कर रहे होते हैं। अब भैया ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है बॉलिंग टीम लेती है, बैटिंग टीम को कोई चांस नहीं दिया जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले ले, और ये बॉलिंग टीम लेती है। बॉलिंग टीम जो ले सकती है आजकल के हिसाब से 6 से 9 ओवर के बीच में पहला स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और दूसरा जो होता है वो 13 से 16 ओवर के बीच में ले सकती है। भैया वैसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से कुछ फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए मिल जाते हैं टीवी वालों को और फ्रेंचाइजी वालों को। बस ये है टीम अपना थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लेती है और गप्पे सब पे लड़ा लेती है, भैया इतना ही सब कुछ होता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में। चलिए भैया यहाँ पे करते हैं वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।